एक तो वो जो मैं कई महीनों से कई सालों से जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था, अब वो प्रोजेक्ट सफल होता हुआ नज़र आ रहा है। हम दिल्ली की सड़कों को बहुत सुंदर बनाना चाहते थे। इसके ऊपर मैं कई सालों से काम कर रहा हूँ, कई पायलट प्रोजेक्ट्स करवाए। उन सब का नतीजा ये है कि अब ये प्रोजेक्ट सिरे चढ़ता नज़र आ रहा है। इसके तहत दिल्ली के सबसे पहले हम 1400 किलोमीटर पीडब्ल्यूडी की जो सड़कें हैं, 45 फुट से चौड़ी जो सड़कें हैं, यानी कि 18 मीटर से ज़्यादा चौड़ी जो सड़कें हैं, वो 1400 किलोमीटर सड़कें हैं। ये 1400 किलोमीटर सड़कें पीडब्ल्यूडी के कंट्रोल में आती हैं, पीडब्ल्यूडी के जुरिस्डिक्शन में आती हैं। तो पीडब्ल्यूडी की सारी सड़कों को हम सुंदर बनाने जा रहे हैं, रिपेयर करने जा रहे हैं, ठीक करने जा रहे हैं। उस पर क्या क्या काम करने जा रहे हैं वो सब मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें जितने भी फुटपाथ हैं और जितने भी सेंट्रल वर्ज हैं, आप देखते होंगे कई जगह फुटपाथ के ऊपर एक वो निकला हुआ स्लैब निकला हुआ है, कहीं कर्ब स्टोन निकला हुआ है, टूटे पड़े हैं सेंट्रल वर्ज, टूटे पड़े हैं पत्थर, इधर उधर हुए पड़े हैं। ये सारे रिपेयर किए जाएंगे। मैं शब्द रिपेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सरकारी पैसा लुटाने के लिए अभी तक देखा गया है कि एक पत्थर टूटता है तो सारा फुटपाथ बदल देते हैं। हम ये नहीं करने जा रहे। जहाँ एक पत्थर टूटा है वो एक पत्थर को बदलेंगे, जहाँ 10 पत्थर टूटे हैं वह 10 पत्थर को बदलेंगे, रिप्लेस करेंगे पत्थरों को, लेकिन हम पूरे के पूरे पैसा बचाने के लिए सारा फुटपाथ नहीं बदलेंगे। सारे फुटपाथ रिपेयर किए जाएंगे, सेंट्रल वर्ज सारे रिपेयर किए जाएंगे, सारे मैन होल्स जो जो टूटे हुए हैं वो रिपेयर किए जाएंगे, जितने प्री कास्ट स्लैब्स हैं वो टूटे हुए हैं वो रिप्लेस किए जाएंगे, साइनेजेस जितने हैं वो जहाँ जहाँ टूटे हैं वो सारे रिप्लेस किए जाएंगे, खंबे जो जो यहाँ पे सड़कों के ऊपर जो खंबे लगे हुए हैं बिजली के, वो जहाँ 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 टूटे हैं उनको ठीक किया जाएगा, जो बिजली काम नहीं कर रही खंबों पे वो जो जो खराब है उसको ठीक किया जाएगा, जितने सबवेज हैं सबवेज के अंदर जितनी रेलिंग्स हैं, जितनी लाइटें खराब हैं उनको रिपेयर किया जाएगा, जितने फुटओवर ब्रिजेस टूटे फूटे पड़े हैं उनको रिपेयर किया जाएगा, जितनी साइड में रेलिंग लगी हुई हैं सड़कों की वो टूटी हुई हैं उनको रिपेयर किया जाएगा, और जो स्ट्रीट फर्नीचर टूटा हुआ है उस सारे स्ट्रीट फर्नीचर को रिपेयर किया जाएगा। इसके अलावा जो सड़कें अब हैं उन सड़कों में जितने गड्ढे हैं उनको रिपेयर किया जाएगा, जहाँ सड़कें क्रैक हो गई हैं उनको रिपेयर किया जाएगा। एक बार इनको सबको रिपेयर करने के बाद इन सब चीज़ों को हम उम्मीद करते हैं जिस दिन वर्क ऑर्डर होगा, वर्क ऑर्डर हमें उम्मीद है कि 20 मार्च के आसपास वर्क ऑर्डर हो जाएगा और 1 अप्रैल से काम चालू हो जाएगा। उसके 6 महीने के अंदर हमें उम्मीद है ये सारा रिपेयर का काम हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद 10 साल का हम कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं कि फिर जब भी कुछ टूटेगा वो तुरंत रिपेयर किया जाएगा। उसके लिए फिर नया कोई कॉन्ट्रैक्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नया कोई वो देने की जरूरत, अगले 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं कि फिर कोई भी ब्रिज पे कुछ टूटा, फुटपाथ पे कुछ एक पत्थर टूटा, कहीं कुछ टूटेगा तुरंत 24 घंटे के अंदर उसको रिप्लेस किया जाएगा, उसको रिपेयर किया जाएगा, ताकि हमारी सड़कें हमेशा चमकती और सुंदर नज़र आएं। 10 साल के लिए हम इसका रिपेयर का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। उसी तरह से सड़कें, सड़कें अगर कहीं गड्ढा होगा उस गड्ढे को 24 घंटे के अंदर रिपेयर किया जाएगा, कहीं सड़क पे कोई क्रैक आएगा उस क्रैक को 24 घंटे के अंदर रिपेयर किया जाएगा। इन 10 साल के अंदर हर सड़क को 2 बार रीसरफेसिंग की जाएगी। 5-5 साल के अंदर सड़क को रिपेयर करना होता है तो 2 बार इसकी रीसरफेसिंग की जाएगी। और हम देखते हैं कि जितनी पेंटिंग है वो इतनी गंदी हो चुकी होती है, जो सेंटर की लाइन है, जेब्रा क्रॉसिंग है, फुटपाथ की जो पेंट है, तो हर 3-3 महीने के अंदर हमने कुछ किस्म की, जैसे जेब्रा क्रॉसिंग को हम 6-6 महीने में कर देंगे लेकिन बीच वाली को 3-3 महीने में, कुछ पेंटिंग 3-3 महीने में की जाएगी और कुछ पेंटिंग 6-6 महीने में की जाएगी, ताकि साफ सुथरी सड़कें नज़र आएं। इसके बाद डेली हम लोग अपने फुटपाथ को, सड़कों को
या तो डेली या हफ्ते में 3 बार वॉश किया जाएगा, और मैकेनिकल स्वीपर स्वीपर से खूब सारी मशीनें हम लोग हायर कर रहे हैं, मैकेनिकल स्वीपिंग की जाएगी और सारी सड़कों को वॉश किया जाएगा, और सड़कों के जितने दोनों तरफ पेड़ और पौधे हैं उन सारे पेड़ पौधों को धोया जाएगा, उनको भी धोया जाएगा। तो सड़कों को हफ्ते में 3 बार वॉश किया जाएगा, मैकेनिकल स्वीपिंग की जाएगी, और फुटपाथ को डेली वॉश किया जाएगा, मैकेनिकल स्वीपिंग की जाएगी। डीप स्क्रबिंग की मशीनें लेके आ रहे हैं ताकि जितना उसमें जमा हुआ कचरा है सड़कों के ऊपर उसको भी हम खींच सके, तो डीप स्क्रबिंग की जाएगी। लिटर उठाने के लिए जो कूड़ा सड़कों पे फैला रहता है उसको पिकअप करने के लिए भी मशीनें लाई जा रही हैं, उन मशीनों से सारा मलबा साफ़ किया जाएगा और सारा लिटर साफ़ किया जाएगा। जितनी रेलिंग्स हैं सड़कों के दोनों तरफ उन सारी रेलिंग्स को साफ़ किया जाएगा, उनको धोया जाएगा पानी से। मैकेनिकल स्वीपिंग के लिए हम 100 से ज़्यादा मैकेनाइज्ड रोड स्वीपर्स हायर करने जा रहे हैं। 100 मैकेनाइज्ड रोड स्वीपर्स हायर करने से हमारा अनुमान यह है कि हर दूसरे या हर तीसरे दिन सड़क को साफ किया जा सकता है। 150 से ज़्यादा टैंकर्स और स्प्रिंकलर्स हायर किए जा रहे हैं। तो जो PWD की सड़कें हैं, 1400 किलोमीटर सड़कें, इन सड़कों के ऊपर इन 150 स्प्रिंकलर्स से डेली सड़कें धोई जाएंगी और सड़क के दोनों तरफ जो पेड़ पौधे हैं उनको धोया जाएगा। 250 के करीब एंटी स्मॉग गन्स कम स्प्रिंकलर्स को हायर किया जा रहा है। हमारी दिल्ली में 250 वार्ड हैं, 250 मशीनें हायर की जा रही हैं, तो एक वार्ड में एक मशीन दे दी जाएगी। ये उन वार्ड्स के अंदर, जैसे मैंने कहा 150 मशीनें ऊपर हायर कर रहे हैं वो PWD की सड़कें, जो नॉन PWD की सड़कें हैं, जो छोटी छोटी सड़कें हैं उनके लिए हम 250 मशीनें हायर कर रहे हैं, वो उन छोटी मशीन सड़कों को धोएंगे और उनके दोनों तरफ जो पेड़ पौधे हैं उनको भी धोएंगे। ये भी 10 साल के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट देने जा रहे हैं, 10 साल के लिए कंपनीज को धोने के लिए, फुटपाथ और सड़कें धोने के लिए, साफ़ करने के लिए, मैकेनिकल स्वीपिंग के लिए दिया जा रहा है। हमें उम्मीद है लगभग 10,000 किलोलीटर पानी डेली इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी, दिल्ली की सारी सड़कें और फुटपाथ धोने के लिए। जो जल बोर्ड का जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जो पानी निकलता है, अभी हम उसको यमुना में बहा देते हैं, वो इसके धोने के, सड़कों को धोने के काम आ जाएगा। डेली बेसिस पे सड़कों के दोनों तरफ हम देखते हैं कि पोस्टर बैनर उलट सुलट गंदी पड़ी हुई है दिल्ली, इसको डेली हटाया जाएगा। जहाँ भी कोई भी पोस्टर बैनर आएगा उसको डेली बेसिस पे उसको हटाया जाएगा। तीसरा, पेड़ पौधे खूब बड़े स्तर पे लगा रहे हैं, जो सेंट्रल वर्ज है इन सारे सेंट्रल वर्ज पे और सड़क के दोनों ओर जितनी खाली ज़मीन है उसके ऊपर बहुत बड़े स्तर के ऊपर प्लांट्स लगाए जाएंगे, और इसके लिए भी 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। प्लांट्स लगाएंगे, उनको मेंटेन करेंगे, उनकी ट्रिमिंग करेंगे डेली, उनकी वॉशिंग करेंगे, उनको पानी देने का काम, उनको खाद देने का काम, और अच्छी मिट्टी वहाँ पे डालने का काम ताकि ये फलें फूलें। इसके लिए भी 10 साल का अलग से कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। अगले 10 दिन के अंदर कैबिनेट से ये प्रपोजल, सारे के सारे प्रपोजल पास हो जाएंगे, और 1 अप्रैल से मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारा काम दिल्ली में शुरू हो जाएगा। ये काम तब चलेगा जब इसकी मॉनिटरिंग सख्त होगी। अगर अभी तो हम बड़े 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 प्लान तो बना सकते हैं, तो थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग का इसमें वो डाला गया है कि थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग करेगी, जिसके ऊपर पास व्हीकल्स होंगे, व्हीकल्स पे कैमरा होंगे, वो लगातार पूरा दिन दिल्ली में कई सारी ऐसी व्हीकल्स चलती रहेंगी और वो कैमरा से वो कैप्चर करती रहेंगी कि कहाँ कितना काम हो रहा है, कितना काम नहीं हो रहा है। और पेमेंट जो है, हैवी पेनल्टीज डाली गई हैं एग्रीमेंट के अंदर कि अगर कहीं किसी भी तरह की कमी नज़र आई तो उस कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर हैवी पेनल्टीज डाली जाएंगी। और ये सारा का सारा सिस्टम जो है वो डैशबोर्ड के ऊपर होगा ताकि रिमोटली सारी इस चीज़ को मॉनिटर किया जा सके। बहुत सख्त सर्विस लेवल वो बनाए गए हैं पैरामीटर्स, उन पैरामीटर्स की कांस्टेंट मॉनिटरिंग होगी। कंप्लेन सिस्टम में एक सेंट्रलाइज्ड कंप्लेन सिस्टम होगा, कोई भी नागरिक भी कंप्लेन कर सकता है अगर किसी भी तरह की कहीं गंदगी नज़र आती है, मिट्टी नज़र आती है, कहीं किसी भी तरह की गड्ढा नज़र आता है तो वो भी कर सकते हैं। और हमें उम्मीद है,
हम चाहते हैं कि बेस्ट से बेस्ट कंपनीज इसके अंदर पार्टिसिपेट करें। इसमें खर्चा कितना आएगा? पहले साल में, क्योंकि पहले साल के अंदर कई सारी मशीनें हायर वगैरह वो सब उन सब मिला के हमें उम्मीद है लगभग 4,500 करोड़ रुपए पहले साल में लगेंगे, और उसके बाद रेकरिंग खर्चा जो होगा साल दर साल वो 2,000 करोड़ रुपए के करीब उम्मीद है कि खर्चा लगेगा। ये पहली चीज़ थी। दूसरी, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सेक्टर में अब बसें भी हमने काफ़ी खरीद ली हैं, मेट्रो भी अच्छी चल रही है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी एक बहुत मेजर मुद्दा बना हुआ है किसी भी नागरिक के लिए। लास्ट माइल कनेक्टिविटी और उसकी सेफ्टी लास्ट माइल पे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए हम ई स्कूटर्स लेके आ रहे हैं और इसको हम द्वारका के एरिया में एक पायलट प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। द्वारका के क्षेत्र में लगभग 10 मेट्रो स्टेशन हैं, कई सारे बस स्टॉप्स हैं। द्वारका में 250 लोकेशंस के ऊपर 1,500 ई स्कूटर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। लोग एक साथ अपनी टिकट खरीद सकते हैं, इंटीग्रेटेड टिकट होगी, उससे आप उस टिकट से बस में भी ट्रैवल कर सकते हैं, ई स्कूटर भी हायर कर सकते हैं और मेट्रो पे में भी सफ़र कर सकते हैं। तो आपने टिकट खरीदी, उस टिकट से आप 250 लोकेशन से कहीं से भी आप एक स्कूटर पिकअप कर लीजिए। सेल्फ ड्राइविंग है, कोई ड्राइवर नहीं है, आपको ड्राइव करना है। कहीं से भी आप स्कूटर पिकअप कर लीजिए किसी लोकेशन से, वहीं पे हेलमेट होगा, हेलमेट पहन के और आप अपने दूसरे किसी भी कहीं भी जा सकते हैं, उसको थोड़ी देर यूज़ कर सकते हैं और इन 250 में से किसी भी लोकेशन के ऊपर उस स्कूटर को आप वापस छोड़ सकते हैं। ये सारे ई स्कूटर्स होंगे और इन स्कूटर्स पे स्वैपेबल बैटरी होगी और एक चार्ज में 60 किलोमीटर तक आप वो कर पाएंगे, ट्रैवल कर पाएंगे, और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होगी इनकी। जिस दिन ये एग्रीमेंट उस कंपनी से, ऑब्वियसली जो भी कंपनी होगी वो टेंडर बेसिस पे दी जाएगी, जिस दिन एग्रीमेंट होगा उसके 4 महीने के अंदर पहले 100 लोकेशन पे 500 स्कूटर आ जाएंगे, अगले 4 महीने में अगले 100 लोकेशन पे और 500 स्कूटर आ जाएंगे, और अगले 4 महीने या 12 महीने में 250 लोकेशंस के ऊपर 1,500 स्कूटर मुहैया हो जाएंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट उस कंपनी को 7 साल के लिए दिया जाएगा और ये 250 लोकेशन वो हैं जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे फुटफॉल होता है। मेट्रो हो गए, मेट्रो स्टेशन हो गए, वो हो गए, बस स्टेशन हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, मॉल्स हो गए, जहाँ जहाँ लोग ज़्यादा जाते हैं, बाज़ार हो गए, वहाँ वहाँ ये ज़्यादा से ज़्यादा दिए जाएंगे। और बिड पैरामीटर होगा कि जो कंपनी कम से कम चार्ज करने को कहेगी कि हम जनता से इतने रुपए टिकट लेंगे प्रति मिनट या प्रति किलोमीटर, उस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। सो ये दो बड़ी अच्छी खबरें हैं दिल्ली के लोगों के लिए। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो। सर, ट्रैफिक तो किस तरीके से अब सारा मैकेनिज्म सब सही हो रहा है दिल्ली में? मैं देख रहा हूँ चांदनी चौक की जिस तरह की सिचुएशन, वहाँ दो तरह की प्रॉब्लम सामने आती है। एक तो ट्रैफिक का मैकेनिज्म वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, पूरी दिल्ली में ही है ये, ट्रैफिक बहुत और ज़्यादा है। दूसरा सर, रात को जो ये वेगाबॉन्ड्स वगैरह हैं या होमलेस हैं, आपके लोग आते हैं वो सफाई करते हैं, ये मशीन्स वगैरह वहाँ भी आती है मैं देख रहा हूँ, लेकिन वो नहीं हट पाते, वो वहीं पर ही शॉर्ट्स कर रही है वो वहीं, तो एक किस तरह का बिल्कुल सही दोनों चीज़। पहला आपने कहा कि ट्रैफिक, ट्रैफिक के लिए जैसे जितना ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम इस्तेमाल करेंगे उतना सड़कों के ऊपर ट्रैफिक कम होगा। अभी तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्ट्रांग नहीं था, किसी को कैसे कहें कि भाई तू पब्लिक बस यूज़ कर, किसी को कैसे कहें मेट्रो यूज़ कर, अभी तक बसें ही नहीं थी। अब बसें काफ़ी हो गई है, लगभग 7,500 बसें हो गई हैं। अब मैं सुनता हूँ कि कई बसें खाली जा रही हैं हमारी कई रूट्स के ऊपर, उसको भी हम देख रहे हैं। तो अब अगर लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी कर दी हमने सॉल्व, तो हम जनता को थोड़ा प्रेशर डाल के थोड़ा कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी से फोर्स कर सकते हैं कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा इस्तेमाल होगा तो ट्रैफिक नेचुरली कम होगा। दूसरा, कई सारे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने कई सारे पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं जो बॉटलनेक्स हैं दिल्ली के ट्रैफिक सिस्टम में, उनके हर पॉइंट का समाधान निकाला जा रहा है कि इसमें अगर यू टर्न बना दें यहाँ पे तो इसका समाधान हो सकता है, यहाँ पे फ्लाईओवर बना दें तो इसका समाधान हो सकता है। तो हर पॉइंट का ट्रैफिक बॉटलनेक्स का, दिल्ली के ट्रैफिक बॉटलनेक्स का अलग से समाधान निकाला जा रहा है। तीसरा, आपने वेगाबॉन्ड्स का कहा, दिल्ली में अब नाइट शेल्टर्स बहुत अच्छे हैं,
तो ये सारे समाज की जिम्मेदारी है। जैसे मैं जब एनजीओ में काम किया करता था, कई बार मेरे को याद है मैं रात को निकल जाता था, जो लोग सड़क पे सो रहे होते थे उनको हम प्यार से बहला के फुसला के अपनी गाड़ी में बिठा के उनको नाइट शेल्टर्स में ले जाते थे। ये हम लोगों को समाज को, पूरे समाज को करना होगा कि ऐसे जितने लोग हैं जो सड़क पे सो रहे हैं, होमलेस हैं, बहुत गरीब हैं, उन लोगों को अगर हम किसी तरह से प्रेरित कर सके, हम भी करेंगे, बहुत सारी एनजीओज की भी मदद लेंगे, सरकार भी करेगी, लेकिन नाइट शेल्टर्स की कमी नहीं है, तो ये हम सबको मिलके इसका समाधान लेकिन निकालना सर पड़ेगा। जो जो लूटिंग करते हैं या उन सड़कों को खराब करते हैं, टबाको खाते थूकते हैं, उसके उनके आपने पेनल्टी की बात की कॉन्ट्रैक्टर्स पे, पर क्या ऐसे लोगों पे भी ये पेनल्टी इनके ऊपर क्या पेनल्टी लगाओगे और इनसे कैसे पैसे लगेगी? लोगे? इनके लेकिन पास ये नहीं तो, सर, जो लेकिन इन बैंक लोगों को उठा के कहीं ना कहीं नाइट शेल्टर पे ले जाना पड़ेगा। उसके ऊपर थोड़ी सख्ती की जा सकती है, इसको थोड़ा सख्त करेंगे कि इनको जैसे जितने नाइट शेल्टर्स हैं वहाँ टॉयलेट की भी फैसिलिटी है, सब किस्म की फैसिलिटी है। लेकिन इनके साथ क्या है कि इन्होंने वहाँ पे अपना एक अड्डा जमाया हुआ है, अपनी जगह कैप्चर की हुई है, जो मैंने समझा था उन दिनों में, जाते नहीं वो उसको जाते छोड़ना नहीं चाहते जगह को। उनको जाते लगता है नाइट शेल्टर में चले गए तो ये हमारी जगह कोई और कैप्चर कर लेगा, ये बात तो इसका समाधान निकालना पड़ेगा। लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जो होमलेस लोग हैं उनको नाइट शेल्टर्स में पहुंचाने की जरूरत सर। है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी में टाइमिंग की वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्या वहाँ पे सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि अगर वहाँ पे इंडिपेंडेंटली लोगों को टिकट लेके स्कूटर पिक करना है तो उसकी टाइमिंग क्या होगी और सिक्योरिटी क्या होगी? टाइमिंग तो वर्कआउट की जा सकती है वो एक बारी की, पर उसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, कभी भी वो ले सकते हैं। मैं मतलब मैं अभी ऑफ द कफ बोल रहा हूँ, लेकिन 24 घंटे भी हो सकता है वो, कभी भी ले जा जैसे लिया जा सकता है। लोग जानना चाहें तो टाइमिंग मैं क्योंकि बता दूंगा, मैं इसका वर्कआउट जैसे भी होगा मैं बता दूंगा। अभी ये पायलट प्रोजेक्ट आप बता रहे हैं, लेकिन इसमें ये कैसे सुनिश्चित होगा कि क्योंकि स्कूटर चलाएंगे तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए होगा? वो सब तो होगा, हाँ तो वो तो फिर जो भी लेगा, ड्राइविंग लाइसेंस अगर नहीं होगा, कल बिल्कुल को अगर पुलिस ने रास्ते में पकड़ लिया तो बिल्कुल जैसा उसके साथ अपने स्कूटर पे होता है वैसे बिल्कुल, तो उससे, यानी ये सुविधा सिर्फ 18 साल ऊपर वालों के लिए है। नेचुरली वो सारे ट्रैफिक के नियम तो लागू होंगे। सर ये क्या ये स्कूटर जो आपने बताया है द्वारका के लिए, क्या आने वाले समय में केवल पूना ही रहेंगे या फिर और भी नहीं, प्लान इस है कुछ? एक्सपेरिमेंट के बाद अगर ये सक्सेसफुल होता है, ये पायलट प्रोजेक्ट है, तो पूरी दिल्ली में इसको कर देंगे। फिर सर एलजी साहब ने आपसे मुलाकात के लिए बुलाया, हालांकि आप कल थे नहीं, मैं लेकिन उनका मैंने शुक्रिया सुना अदा करता हूँ कि उन्होंने मुलाकात के लिए बुलाया। कल मैं पंजाब गया हुआ था, पहले से डिसाइडेड था प्रोग्राम, अब जब भी अगला टाइम वो देंगे हम जाएंगे। सर मियाँ का चुनाव फिर नहीं हो जी, पाया, मेयर डिप्टी आप मेयर, क्या कहना मैं उम्मीद चाहेंगे? करता हूँ जल्दी होगा सर मुगल गार्डन का नाम बदल दिया है सरकार ने, इसे किस तरह से देखते हैं? कोई अमृत उद्यान नहीं, रख दिया गया तो मुगल चलिए अब क्वेश्चन गार्डन खत्म हो गया मुझे लगता है। थैंक यू। का थैंक यू सर।